द ZenFone Max Pro M2। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ZenFone Max Pro M2 यूजर हैं और अगर आप Android पाई बेस्ड बीटा अपडेट यूज कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि हाल ही आज अभी एक अपडेट आया है ZenFone Max Pro M2 में। तो मैं बता दूँ दोस्तों, बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, यह अपडेट है जो Android पाई का स्टेबल अपडेट बिल्कुल ही नहीं है। यह अपडेट है Android Oreo का एक अपडेट आया है, इसमें कुछ फ्यू इम्प्रूवमेंट की गई है जो Android Oreo का अपडेट था इसका। तो क्या अपडेट क्यों हुआ है और कैसे करना है अपडेट, कुछ ऐसी ही जानकारी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, देन प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो देखिए दोस्तों, ये कोई मैं यहाँ पर वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ एक न्यूज़ दे रहा हूँ कि अगर आप एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड वर्जन अपने ZenFone Max Pro M2 में यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ अपडेट चेक कीजिए। आपके डिवाइस में एक अपडेट ज़रूर आया होगा, 450 MB का अपडेट होगा ये नियर बाय। तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर नहीं दी है, बट अगर आप अभी इसी वक्त जो है पूरी डिटेल चाहते हो तो आप जो iPhone अनबॉक्स जो है इनकी वीडियो को देख सकते हो जो इनमें इन्होंने शो किया हुआ है। इस अपडेट में जो है कुछ बग्स एंड इश्यूज फिक्स हुए हैं, तो आप इस एक्टिव डेवलपर की साइट पर जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि इसमें क्या क्या फिक्स किया गया है। जैसे कि टच में गोस्ट टच था जो टच में इम्प्रूवमेंट हुई है, कैमरा में फ्रंट कैमरा में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, इसके बाद जो नोच है उसके कॉर्नर में भी जो है थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और साथ में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यानी कि फरवरी का सिक्योरिटी पैच वो तो देखने को मिलेगा ही। तो ये कुछ थोड़े बहुत बग्स एंड इश्यूज जो है अभी फिक्स हुए हैं इसमें। बट हाल फिलहाल मैं जो अपने डिवाइस में जो है कस्टम रोम को जो यूज़ कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, कल आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगी इस अपडेट के ऊपर, और साथ ही मैं कुछ कैमरा सैंपल भी लेके आऊँगा फ्रंट कैमरा के। बट हाल फिलहाल दोस्तों, एक न्यूज़ थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। दोस्तों आई होप कि आपकी वीडियो जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपकी वीडियो जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। I'm not afraid to die.